पुलिस ने जिसे लावारिस समझकर दफनाया वह बैराड़ के नरैया खेड़ी का हल्के रावत निकला। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। शिवपुरी, 9 जून को रेलवे ट्रैक पर जीआरपी पुलिस को एक अज्ञात व्यक्ति की डले होने की सूचना मिली। सूचना पर से जीआरपी पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घायल युवक जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। कोतवाली पुलिस ने युवक का पीएम कराकर युवक को 48 घंटे मर्चुरी में रखा। जब युवक की शिनाख्त नहीं हुई तो युवक की बॉडी को दफना दिया। आज कोतवाली पुलिस ने बैराड़ थाने के ग्राम नरैया खेड़ी से गायब युवक के परिजनों को जब उस युवक की फोटो दिखाई तो परिजनों ने कहा कि ये तो हमारा ही भाई है। इसके बाद परिजनों ने कोतवाली थाने में हंगामा कर दिया, जिसके बाद अन्य थानों की पुलिस भी कोतवाली पहुंची, जहां परिजनों ने देहात थाना प्रभारी जितेंद्र मावई के साथ भी धक्का मुक्की कर दी। जानकारी के अनुसार विकास रावत ने बताया कि मेरा भाई हल्के रावत के लिए 1.5 लाख रुपए में संजय रावत, जगदीश रावत, ब्रह्मा पंडित, सतीश पंडित, राधेश्याम पंडित, महेंद्र पंडित से दुल्हन खरीदी थी, जिसके बाद 2 दिन महिला घर पर रुकी और वहां से चली गई। इस बात को लेकर विवाद चल रहा था। जब 1.5 लाख रुपए बार बार मृतक के द्वारा मांगे जा रहे थे तो सभी लोगों ने मृतक को शिवपुरी बुलाया। हल्के रावत अपनी बाइक से ग्राम नरैया खेड़ी से शिवपुरी पैसे लेने के लिए 7 जून को निकला, तभी से वह लापता था, जिसके बाद परिजन बैराड़ थाने और एसपी ऑफिस के चक्कर लगा रहे थे। कोतवाली पुलिस ने जब परिजनों को मृतक का फोटो दिखाया तो उन्होंने कहा कि यह तो हमारा भाई है। इसके बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। पुलिस ने हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। नाम क्या है? नाम विकास रावत। हम यहाँ पर लाए काहे के लिए आए हैं? यहाँ पर भाई की मौत का मामला है, यहाँ पर मर्डर किया गया है। कौन ने किया? यहाँ पर संजय रावत और जगदीश रावत, ब्रह्मा पंडित और सतीश पंडित और राधेश्याम पंडित और महेंद्र पंडित, इन सब ने यहाँ पर मिलकर मारा है इसको। बॉडी इन्होंने गाड़ दी है। हम यहाँ पर कोतवाली में एसपी के पास यहाँ पर 3 दिन से लगातार आ रहे हैं, यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं, सुनवाई नहीं की जा रही। थाने पे गए थे तो थाने पे भी कोई सुनवाई नहीं की। और क्या कारण रहा, क्यों मार दिया, क्या वजह रही, क्या व्यवहार था? बस उन्होंने बुलाया था कि पैसे लेने, हम हमारे वो कमरे पे आ जाओ तो हम यहाँ पर कमरे पे पैसे दे देंगे। तो घर से अकेला गाड़ी लेकर आया था, गाड़ी भी गायब कर दी गई है और उसको मार दिया गया। उन्होंने हाँ खरीद के लाए थे, उन्होंने दिया था, उन्होंने ही खरीदी थी मतलब हमारे लिए। ये 1 साल पहले 2 दिन रात की कितने पैसे थे? 1.5 लाख रुपए थे। ये घर से कब लापता हुए थे? घर से 8 तारीख को आया था, 7-8 तारीख को। आप थाने आए थे क्या इसके बाद? यहाँ पर कोतवाली में आए थे, एसपी के पास गए थे। क्या कहा इन्होंने? एसपी को थाने में कौन सी तारीख को आए? 9 तारीख को। और आपको जानकारी कब मिली? जानकारी आज मिली, 14 तारीख को। क्या बोला आपको? हमको आज मिला कि फिर भी जेब नहीं बताया कि लाश कहाँ पर है। अभी हमारा मामा आया था और उन्होंने कहा था, अभी इन्होंने अभी फोटो बताया, सिर्फ अभी कहा है कि जेब आई है या नहीं। और यहाँ पर गोड़ी कब्रिस्तान में गड़ी है, यहाँ पर इनको क्या, इनको कोई अनुमति है कि मोदी को गाड़ सकते हैं? कोई अनुमति है? क्या चाह रहे हैं बाबा? हाँ, हमारे को न्याय चाहिए। किस प्रकार का? इस प्रकार का चाहिए कि इन सब लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाए, या फिर नहीं मर्डर करा है और हमें खुला कह रहा है। जगदीश से हमारे संग लगा संजय रावत, जगदीश रावत, गांव नरैया केड़ी, ये दो हमारे पीछे पड़े हैं, जिनने पकड़वा हमारा। क्या नाम है ये तुम्हारा? वीरू रावत। वीरू रावत जी, यहाँ कैसे आए तुम, क्या हो गया? ये भैया खत्म हो गया, भैया मारा राधेश्याम पंडित ने, महेंद्र पंडित ने और बिंद्राम पंडित ने, ब्रह्मा ने, जगदीश ने, संजय ने और सतीश ने। कैसे पता चला तुम्हें कि तुम्हारा भैया? 9 तारीख को जिन्हें आज खबर पहुँचाई है। अच्छा, हाँ। तो यहाँ कैसे आए आप लोग? यहाँ ऐसे आने ने बुलाया थे कि तुम्हारी वो भैया की बॉडी मिल गई। क्या बॉडी दे दी आपको? हाँ, रिपोर्ट दे दी, हमारी रिपोर्ट अभी ले नहीं गए थे, 3 दिन हुए, 3 दिन से 4 दिन से फिर रहे हैं ना, बेड़ार प्रयास समय प्रयास कुछ ले नहीं गया, हमें सुनवाई कुछ नहीं कर रहा है। ये 9 तारीख की घटना हुई। हुआ क्या था पूरा? कुछ नहीं, 100 कंसल्टेंसी हुई थी, पति के चक्कर पैसे मांगने आया था, 1.5 लाख बड़ा भैया लगे, 1.5 लाख रुपये आए, पैसे मांग के गो पंडित ना थे मैंने मार के। बॉडी अभी कहाँ है? बॉडी गाड़ी है, कहाँ पे गाड़ी है? आप तो कहाँ पे गाड़ी है, यही बता दीजिए कौन गाड़ी है। यही गाड़ी है, सवाल बता रहा है आपको, जानकारी में दी थी पुलिस वाला है। नहीं नहीं, हम बुलाए परिवार में भी विवाद हुआ था? नहीं, विवाद कोई नहीं है, वो संजय और जगदीश है मारा।
क्या चाह रहे हैं आप? क्या चाह रहे हैं? हम तो संजय जल्दी से सुनने लगा जा रहे हैं, पकड़वाओ वो और बिना मरवाओ। वे तीन चार दिन की पुरानी रंजिश थी क्या? नहीं बिल्कुल नहीं थी, अभी यही रंजिश थी हमारी, हमारी कोई रंजिश नहीं थी। भाई 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 दर्ज हो गई। हाँ भाई यार, आज दर्ज किए और तीन दिन से फिर रहे हैं, तो हमको नहीं लगी है क्या क्या कोई सुनवाई नहीं कर रही। दिनांक 9 तारीख को थाना कोतवाली पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति रेलवे ट्रैक पर घायल अवस्था में है, जिसको जीआरपी पुलिस द्वारा लाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उसको वहां रेफ़र किया गया था अपने मेडिकल कॉलेज में, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। उस संबंध में अज्ञात शव के होने पर उसमें मर्ग कायम कर जांच में लिया गया था। आज दिनांक 14 तारीख को पप्पू रावत, भूरा रावत और सुवालाल निवासीगण दर्रौनी एवं नरैया खेड़ी के थाने पर आकर उसकी शिनाख्त नंदकिशोर उर्फ हल्के रावत के रूप में की, जो निवासी नरैया खेड़ी थे, जो 7 तारीख से नरैया खेड़ी बैराड़ से घर से बिना बताए आए थे। एवं इसके इसी बीच उनके द्वारा ये बताया गया कि उनके 6 लोगों के साथ पुराना झगड़ा चल रहा है एवं पूर्व से कोई विवाद चल रहा है, जिसके संबंध में उन्होंने 12 तारीख को एक आवेदन पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी दिया था, क्योंकि भाई उनका मिल नहीं रहा था। इसके संबंध में जब जांच पूरा जांच उसमें मर्ग जांच को देखा गया, मर्ग जांच में जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य आए एवं जो जो पुलिस को एविडेंस मिले, तो परिजनों के बयान के आधार पर एवं पीएम रिपोर्ट के आधार पर प्रथम दृष्टि धारा 302-201 का अपराध 6 लोगों के विरुद्ध थाना कोतवाली में पंजीबद्ध किया गया है। नामजद एफआईआर है कि? हाँ, नामजद एफआईआर की गई है। तो पहले भी परिजन आए थे?